2000 साल में 1990 साल में मेरा चातुर्मा सूरत अटवाल है था और एक परिवार मुझे मिले थे ऊपर, पति पत्नी बेटा, इनकी धर्म पत्नी और बेटी, 5 लोग। इस परिवार का मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था और रूबरू मिलने का मन था। ऐसा लगा भगवान करे ये ताकत आज के जमाने में हो सकती है क्या। जो बहू थी ना बहू अमित, उसने बात की शुरुआत की और बहू ने बात ये की महाराज साहब सचमुच में बहुत नसीबदार हूँ कि इस मम्मी के कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। अमित मैं भी समझ नहीं पाया महाराज साहब, बहुत मेरा सदनसीब कि इनकी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। और ऐसा ही बोलना और सांस की आंख में आंसू चले। मैंने पूछा बेन क्या कहना चाहती है। महाराज साहब सच बताऊं, यदि ये जन्मदात्री माँ होती ना तो 18 साल की उम्र में गुरुदेव शादी करने के बाद वो माँ को छोड़ देना पड़ता। ये सांस मिली है पूरी जिंदगी भर तक उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। 18 साल की उम्र में शादी के बाद वो असली माँ छोड़ देनी पड़ती थी, ये माँ से तो ये माँ गुरुदेव और माँ रो रही थी। एक आज के जमाने की पुत्र वधु खुद की सास की इतनी तारीफ कर सकती है? क्या है आपके घर की पोजीशन, क्यों आपके घर की बहू नहीं तारीफ, सास क्यों तारीफ नहीं करती है बहू की? आज के प्रवचन का चार एक गंभीर एक मत समझ लेना, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ। आप ये मत मानना कि गुरुदेव, मैं ये दो दृष्टांत पॉजिटिव दिए ना। एक लड़की अपने पिताजी को बोलती है कि आपका नेचर, और ये लड़का बोलता है हमारा सब मम्मी तीर्थ है। और दूसरी बात करूँ, वो 5 बहू, बहू ने बता दी हमारा साहब कमाल की बात, ये मेरे ससुर, ये मेरे पप्पा है ना महाराज साहब, हम नहीं मानते कि किसी बहू को ऐसे पिताजी मिले होंगे। तुम क्या अमित सुनते हो ये तारीफ? मैं बोला क्या हुआ महाराज साहब, पप्पा को ही पूछो ना। तो मैंने पप्पा को पूछा क्या ये आपकी बहू इतनी तारीफ हमकी करती? महाराज साहब कोई तारीफ वारीफ नहीं, ये नॉर्मल है। मैंने फिर भी बताओ महाराज साहब, देखो 5 बहू है, संयुक्त परिवार है, और ये 5 में से कोई भी बहू कभी मायके जाना चाहती नहीं, मायके लिपी है, और कभी जाना चाहती बोलती पापा मम्मी बहुत याद आ रही है। माने साहब उसी दिन यदि 9 बजे सुबह बोला, शाम तक उसको घर से मैं विदा कर देता हूँ उनके मायके जाने के लिए, चाहे बाय प्लेन चाहे बाय स्पेशल ट्रेन स्पेशल कार। तब मैंने बोला इतनी जल्दबाजी क्यों? और माने साहब बहू भी बोलती कि पापा ये तो मेरे मन का भाव, मैं बताती हूँ 2-3 दिन में एडजस्टमेंट जगह चलेगा, नहीं आज ही। और एक बाप की क्या ट्यूनिंग होगी, तेरे मैं ने पूछू कि ऐसी जल्दबाजी क्यों करते हो? महाराज साहब ये घर में मेरी बहू है ना, वो बहू है साध्वी नहीं है। जिंदगी भर के लिए माँ बाप छोड़ दे वो साध्वी है, और माँ बाप बदल दे वो बहू है। महाराज साहब उसने माँ बाप छोड़े नहीं है, माँ बाप बदले हैं, और कभी ना कभी उसके जन्मदाता माँ बाप याद आवे तब एक ही दिन अपने घर में रखना मेरा कोई राइट नहीं है महाराज साहब। उसी दिन चाहे बाय प्लेन चाहे बाय कार। और सच बताऊं ये पापा बात करते थे, 5 बहू रो रही थी। जब ये बोला महाराज साहब इसने माँ बाप बदले हैं छोड़े नहीं। और महाराज साहब अभी की बात करूं, बहू जब भी मायके जाती है तब मैं इतना कहता हूं कि मैं नहीं कहता तो बोलती पापा आज संडे है, मैं निश्चित तौर से अगले संडे आ जाऊंगी, मुझे ज़्यादा लंबा रहना नहीं है। और महाराज साहब अभी इस बहू की खानदानी बताओ महाराज साहब, एक ससुर अपनी बहू की खानदानी की बात करता था, महाराज साहब ये बहू की 5 बहू की खानदानी की बात कर दूं, आज तक जो भी बहू ने वादा किया इतने दिन कोई रही नहीं। पापा अगले संडे आ जाऊंगी, और निश्चित तौर से गुरुदेव बुधवार और गुरुवार को हमारे घर में आती है। मैं पूछती हूँ बहन, नहीं पापा आपके बिना पसंद नहीं आता है रहना, विश्व में क्या चलता है छोड़ो आपके घर में क्या चलता है।